ज्यादातर आप न्यूज वेबसाइट में देखेंगे, अगर आप किसी भी पोस्ट को या फिर होम पेज को ओपन करेंगे तो उसमें अनलिमिटेड स्क्रॉल होता है, मतलब इनफिनाइट स्क्रॉल होता है। मैं पेज को नीचे करता रहूंगा और यहाँ पे एड्स भी आएंगी, पोस्ट भी आएगी और पेज नीचे होता रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एड्स आ रही है और जहां पे एन लिखा हुआ है, आप देखेंगे एनडीटीवी की मैंने वेबसाइट ओपन करी है, ये जो एन लिखा हुआ है ये पोस्ट है। अगर इसमें से मैं किसी भी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहां से मैं पेज को नीचे करूंगा तो आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल चलता जा रहा है और इस स्क्रॉल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, यूजर आपकी वेबसाइट में ज्यादा देर तक रुका रहेगा क्योंकि जब वो स्क्रॉल डाउन करेगा तो उसे नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट दिखाई देगी। सेकंड पॉइंट, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट अच्छा होगा क्योंकि जितनी देर विजिटर आपकी वेबसाइट में रुकेगा उतना ही बाउंस रेट अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट, आपकी वेबसाइट में जो एड्स आ रही है उसके इंप्रेशंस भी ज्यादा आएंगे, क्लिक्स भी होने के ज्यादा चांस है जिससे आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। यहाँ पे मैं आपको अपनी वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। मैंने एक पोस्ट के ऊपर क्लिक करा, जैसे ही विजिटर मेरी वेबसाइट में आके इस पोस्ट पे क्लिक करेगा और पेज नीचे करेगा, मेरी पोस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगी और उसके बाद विजिटर का दिल होगा तो वो नेक्स्ट पोस्ट पे क्लिक करेगा, नहीं तो वो मेरी वेबसाइट से एग्जिट कर लेगा। अब आप अपनी किसी भी वेबसाइट में, ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूज वेबसाइट में, आप किसी भी वेबसाइट में अनलिमिटेड मतलब इनफिनाइट स्क्रॉल ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है, प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है ऑटो लोड। अब जल्दबाजी में वीडियो को यहाँ पे स्टॉप ना करें ये सोच के कि हमारा काम तो हो गया, प्लगइन का पता लग गया, अब हम उसे खुद ही यूज कर लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक एरर फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये प्लगइन दिखेगा, इंस्टॉल नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद जैसे मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आएगा। इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे अब मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ से मैंने बैक करा, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक्टिवेट की ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, क्लिक करते ही मेरा प्लगइन एक्टिवेट हो गया। यहां से आप इसे नॉट इंटरेस्टेड और डिसमिस कर सकते हैं। उसके बाद वापस मैं अपनी इसी पोस्ट में जाऊंगा, यहां से पेज को रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद अब यहां से आप देखेंगे जैसे ही मैं पेज को नीचे कर रहा हूं मेरी एड्स तो शो करेगी प्लस मेरी नेक्स्ट पोस्ट भी शो करती रहेगी। अब आप देखेंगे जो नीचे एड्स आ रही है इसके इंप्रेशन भी मिल रहे हैं और क्लिक होने के चांसेस भी ज्यादा है, और जो नीचे फुटर में ऐड है वो बाय डिफॉल्ट वैसे की वैसे ही है। अगर आप होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज को नीचे करने के बाद आपको ऑटो लोड की ऑप्शन नहीं मिलेगी। ऑटो लोड की ऑप्शन सिर्फ आपको पोस्ट में मिलेगी, जैसा आपको मैं दिखा चुका हूं।